हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग? सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉर्टिंग होती क्या है और एक सॉर्टिंग करने की हमें जरूरत पड़ती क्यों है। सॉर्टिंग इज अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे भी लिखा है, सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डाटा इन पर्टिकुलर ऑर्डर। आइदर यू कैन अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द लोअर वैल्यू एंड प्रोसीड फर्दर, वेर एज डिसेंडिंग मीन्स स्टार्ट विद द हायर वैल्यू एंड डिक्रीमेंट द वैल्यू डाउनवर्ड्स। देर आर डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स इन डाटा स्ट्रक्चर कोर्स। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद बबल सॉर्ट, विच इज अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज टेक्निक। द डेफिनेशन ऑफ बबल सॉर्ट सेज, इन बबल सॉर्ट टेक्निक ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट इज कंपेयर्ड एंड एलिमेंट्स आर स्वैप्ड इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पास एक लिस्ट है, सपोज दिस इज माई लिस्ट एंड दिस लिस्ट कंटेन्स सम डाटा आइटम्स, सपोज दिस इज 1, 2, 3, 4, 6, 8। सो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट इज कंपेयर्ड। सो आई विल कंपेयर 1 with 2, 2 with 3 एंड so on, and if these elements are not in order then we will swap the position of elements। अब आप जब भी कोई एल्गोरिदम को स्टडी करते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, उसके साथ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एसोसिएटेड होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनी डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। बबल सॉर्ट के केस में वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है ON². वर्स्ट केस का क्या मतलब है? अगर सपोज आपको एक लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4, आपका आउटपुट ये होना चाहिए था, बट जो आपको गिवन इनपुट था दैट इज 4, 3, 2, 1। दिस इज द वर्स्ट केस इन विच वी हैव टू स्वैप ईच एलिमेंट्स पोजिशन। So, इस केस में बबल सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ON². नाउ वी विल सी वन एग्जाम्पल ऑफ बबल सॉर्ट। सपोज दिस इज माई लिस्ट विच आई नीड टू सॉर्ट। दिस इज एन अनसॉर्टेड लिस्ट एंड आई हैव टू सॉर्ट दिस लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। Now, according to the definition of bubble sort, what I have to do is, I have to compare each adjacent element. तो सबसे पहला जो step होगा उसमें आप देखिए क्या रहेगा। I will compare 4 with 2. This 4 will be compared with 2. Since I have to sort the list in ascending order, तो जो छोटा वाला element है जिसकी value कम है वो पहले आएगी। Now this is not in place, so I will swap them. तो जो आपका नया array बनेगा वो क्या बनेगा? ये list बनेगी, that will be something like this, 2, 4, 6, 5, 9 and 8. This is after step 1. Now after step 2, I will compare 4 with 6. No need to interchange, since 4 is smaller than 6. Then I will compare 6 with 5. In this 5 is a smaller value, so interchange is required. So now the new list will be 2, 4, 5, 6, 9 and 8.
ऐसे आगे देखते हैं, 6 एंड 9 नो चेंजेस रिक्वायर्ड, 9 एंड 8 वन चेंजेस रिक्वायर्ड, सो लिस्ट विल बिकम 2, 4, 5, 6, 8, 9. Now we will start with the first element again. Compare 2 with 4, no change is required. 4, 5, no change. 5, 6, no change. 8, 9, no change. और अगर आप इसको अब देखेंगे, now this is in sorted manner. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बबल सॉर्ट, जिसमें आप दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं और अगर उनकी वैल्यूज अपने पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है तो उसे हम स्वैप कर देते हैं. दिस इज द एल्गोरिज्म फॉर बबल सॉर्ट. बिगिन स्टार्ट हेयर. फॉर ऑल एलिमेंट्स इन लिस्ट रन द फॉलोइंग लूप फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट. इफ लिस्ट ऑफ आई is greater than list of i plus 1, then swap the elements. इसमें आप less than भी ले सकते हैं, depending on कि आपको ascending या descending करना है. Then swap the elements and end the loop. This is a very simple algorithm, bubble sort algorithm. अब इसकी complexity जो हम देखते हैं वो क्या होती है. In best case the complexity of bubble sort is on. In average case it is O n square, and in worst case it is O n square. In the coming lectures I will show how to find or how to calculate the complexity by looking at the algorithm. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on data structure.